खबरबांद न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से मैं आपका स्वागत है मैं हूँ बालकृष्ण आइए सबसे पहले बात करते हैं सलाखों के पीछे गए स्वामी की देश के पूर्व गृह मंत्री रहे और भाजपा नेता स्वामी चिन्मयानंद यौन शोषण के आरोप में अंततः जेल की सलाखों के पीछे पहुंची गए स्वामी को आखिरकार एसआईटी ने गिरफ्तार कर उन्हें उनकी असल जगह पहुंचा ही दिया जैसे ही चिन्मयानंद चौदह दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए देश भर के गलियारों में स्वामी के किए को लेकर चर्चा का बाजार गर्म हो चला है हर कोई पता करने में जुटा हुआ है कि आखिर कौन है यह स्वामी ये सब क्या कर दिया जितने उतनी बातें की जा रही कहा जा रहा है पहले तो स्वामी ऊपर से देश के गृह राज्य मंत्री जैसे बड़े ओहदे पर रहे हैं बावजूद इसके उनकी करतूत से परे है बुरे कर्म इंसान का पीछा नहीं छोड़ते ये बात स्वामी अच्छी तरह से जानता और समझता है बावजूद इसके उसने वो सब किया जो बुरे कर्मों में शुमार है अब जब से देश के पूर्व गृह मंत्री रहे चिन्मयानंद को उसकी असल जगह पहुंचा दिया गया स्वामी को लेकर समुचे देश भर के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है हर गलियारे स्वामी जी को लेकर जानकारियां जा हो रही जा राजनीति में स्वामी पर के एक लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा ने आरोप लगाया चिन्मया नंद ने उसका शोषण किया तभी एसआईटी स्वामी के पीछे लग गई जैसे ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ यह शिकंजा और कड़ा हुआ कहा जा रहा है ये वीडियो चश्मे में लगे खुफिया कैमरे से बनाया गया दावा इस बात का है कि वीडियो में दिख रहा है अपहरण और, और कहा गिरफ्तारी कहानी उस वक्त के साथ आगे बढ़ी जब खाकी ने छात्रा को जयपुर से बरामद किया और इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और एसआईटी गठित कर दी जांच का काम आगे बढ़ा मामला अब यहां तक पहुंच गया जैसे ही स्वामी अब चौदह दिन न्यायिक हिरासत में गए उनकी राजनीति में बढ़ने की गाथा देश भर के गलियारों में सुनी और सुनाई जा रही है कहा जा रहा है स्वामी चिन्नमययानंद का असल नाम कृष्णपाल सिंह है और वो असल में यूपी के गोंडा का रहने वाला है लखनऊ विश्वविद्यालय में एमए की डिग्री हासिल करने वाले स्वामी चिन्नमयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह बीजेपी का कद्दावर नेता माना जाता है वाजपेयी सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहा जिसका शाहजहापुर में आश्रम है जहां वो एक लॉ कॉलेज भी चलाता था चिन्मयानंद तीन चुनाव लड़ चुका है उन्हीं स्वाँग्यान्वे, उन्हीं स्वाँग्यान्वे, उन्हीं स्वाँग्यान्वे, और उन्नीस सौ 1999 में तीन तीन बार सांसद चुना गया अब जिधर देखो उधर ही चिन्मयानंद की चर्चा है यूपी के गलियारों के अलावा देश के गलियारों में स्वामी से जुड़ी बातें एक दूसरे को बताई जा रही है और उस पर चर्चा हो रही है कहा जा रहा है देखो एक और हस्ती किस तरह का कारनामा सामने आया जिस तरह के आरोप लगे उससे उसी की पार्टी के लोग उसे पूरी तरह से किनारा कर चुके हैं जिसकी चर्चा किया यूपी क्या दिल्ली सभी के गलियारों में एक सी हो रही है सब मौन हैं अपने काम में जुटे हैं और स्वामी की एक बड़ी प्रोफाइल को लेकर पूरा देश चर्चाएं कर रहा है कह रहा है पहले तो स्वामी ऊपर से तीन तीन चुनाव लड़कर देश के गृह राज्य मंत्री जैसे पद पर रहा लेकिन आरोप ऐसे लग रहे हैं कि जैसे कोई असामाजिक व्यक्ति हो जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की रीति नीति के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में सूबे के मुखिया कमलनाथ अब अपना दम दिखाते नजर आएंगे सूबे के नाथ ने अपनी पार्टी के प्रदर्शन की रणनीति बनाने के साथ ही अघोषित तौर पर प्रदर्शन की कमान भी अपने हाथों में संभाल ली है जिसकी चर्चा सूबे भर के गलियारों में होना शुरू हो गई है सूबे के मुखिया कमलनाथ दोहरी भूमिका निभा रहे हैं नाथ पर सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है तो दूसरी जिम्मेदारी संगठन की केंद्र में भाजपा की सरकार ऐसे में उन्हें सरकार से भी विपक्षी दल के नेता होने के कारण मोर्चा लेना है अब नाथ की अपनी पार्टी केंद्र की रीति नीति के विरोध में प्रदर्शन तय कर चुकी है और सुबह में नाथ इस प्रदर्शन की तैयारी में जुट चुके हैं कांग्रेसी गलियारों से आ रही खबरें बता रही है कि नाथ एक फैसला सरकार के कामकाज को लेकर कर रहे हैं तो दूसरा संगठन की मजबूती को लेकर मुखिया नाथ ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कम और सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए एक बड़ी बैठक कर डाली और प्रदर्शन की रूपरेखा तय कर डाली ना तो वैसे कोई काम अपने पास नहीं रखते उनका एक अंदाज है वो काम बांट कर करने में विश्वास रखते हैं उन्होंने इस बैठक में भी यही किया संगठन की बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी शामिल हुए और अपनी बात कहकर लौट आए पार्टी नेताओं ने प्रदर्शन के साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की एक जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पचहत्तरवीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की पार्टी कार्यालय से आ रही खबरों पर नजर दौड़ाए तो पता चलता है कि पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष मैडम सोनिया गांधी बैठक के दौरान प्रदर्शन और दोनों नेताओं की जयंती को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर चुकी हैं पार्टी की मंशा है कि वो 15 से 20 अक्टूबर के बीच प्रदेश व्यापी प्रदर्शन कर अपना जनाधार बढ़ाए जिसकी तैयारियों में अब पूरी पार्टी जुट चुकी है और नाथ के हाथों में कमान होने का असर भी पार्टी की सूबे भर की इकाई में पहले दिन से देखा रखा रहा है जिसकी चर्चा पार्टी के हर गलियारे होनी शुरू हो गई हनी ट्रैप मामले में लगातार हो रहे खुलासों के बाद सूबे की राजनीति के साथ साथ अफसर शाही के गलियारों में भूचाल सा आ मचा है जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं और क्या राजधानी क्या सूबे दोनों के गलियारों में जमकर चर्चाएं की जा रही है। कहा जा रहा है बस यही चर्चाएं हैं जिनकी चर्चा आप सभी को करना है अधिकृत तौर पर कहीं कुछ नहीं सूबे की राजधानी भोपाल और आर्थिक राजधानी इंदौर से हनी ट्रैप के मामले के उजागर होने के बाद जांच एजेंसी की गिरफ्त में आई महिलाएं अब रिमांड पर है और पूछताछ का दौर

खाकी के गलियारों से जो खबरें आकर सुर्खियां बन रही है वही बता रही है कि शातिर महिलाएं लगातार राज राज उगल रही रही है 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 ये राज ऐसे हैं जिसे जांच करता अधिकारी सुन तो रहा रहा लेकिन दोहराने में उसे खुद मुश्किल आ रही है। कहा जा रहा है, जिस तरह से इस खतागार महिलाओं के मोबाइल फोन से रंग बिरंगी झलकियां और टोन सुनाई दे रही है वो सूबे के कुछ बड़े नेताओं अधिकारियों कारोबारियों की नींद उड़ा रही है सुर्खियां बता रही है इस गिरोह ने अपने टारगेट पर किसी छोटे औहदे वाले के तो कभी घास नहीं डाली लेकिन जैसे ही गिरोह की महिलाओं ने इंदौरी सब इंजीनियर को खास डाली वो शिकंजे में आ गई जिसकी चर्चा निगम के गलियारों में दो दिनों से हो रही है कहा जा रहा है गिरोह के साथ तीन दर्जन से अधिक कॉल गर्ल भी शामिल है जिनकी सूची भी खाकी बना रही है कुछ जानकारियां उनसे भी सामने आ रही है हालांकि खाकी फिलहाल तो इन्हीं महिलाओं से चर्चा कर खुद का केवल ज्ञान बढ़ा रही है और बार बार चौक रही है जिसकी चर्चा खाकी के गलियारों में हो रही है कहा जा रहा है महिलाओं के निशाने पर केवल वो होते थे, जो क्रीम पोस्ट पर बैठने के साथ महिलाओं में रुचि लेते हैं अब ऐसे सभी कर्णधार हैरान हैं और परेशान हैं। इस बीच सूबे के गलियारों में बैठे चर्चावीर बार बार सुर्खियों के आधार पर अधिकारी और नेताओं के नामों का आकलन कर रहे हैं दिमाग लगा रहे हैं कौन कौन इस गिरोह का शिकार बना होगा चर्चा चर्चावीर तो नाम भी ले रहे हैं कहा जा रहा है गिरोह ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाता था, था जो उन्हें पकड़ ना सके वह हर बार मोटा हाथ मारने के बाद गिरोह के सदस्य अपने घर बदल लिया करते थे उनका हर नया ठिकाना किसी न किसी पौष इलाके में होता था ताकि एक सुरक्षा कवच हमेशा बना रहे इंदौर में पकड़ी गई आरती दयाल मूलत छतरपुर जिले की रहने वाली है और कहा जा रहा है कि वो छतरपुर जिले में ही कई लोगों को हनी ट्रेप के जाल में फंसा चुकी है आरती ने जब बहुत से रसूखदारों को शिकार बनाया और उसका यहां से मन भराया तो उसने छतरपुर को अलविदा किया और राजधानी में डेरा जमाया कहा जा रहा है मामले खुल रहे हैं लेकिन सूबे भर में शिकार बने संभ्रात लोग मौन और सूबे के गलियारों में इन मोहतरमाओं के किए की चर्चा बार बार एक ही बात की चर्चा ज्यादातर वीडियो नेताओं और अफसरों के जिन्हें ये महिलाएं प्यार में फांस कर ब्लैकमेल कर रही थी लेकिन अब कोई भी सामने तो क्या इर्द गिर्द भी नहीं दिखाई दे रहा जिसकी चर्चा जोर शोर से हो रही है लेकिन इसका कोई आधार नहीं है सूबे की कमलनाथ सरकार अब नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में है और उसकी कोशिश है कि वह सबसे पहले अपनी पार्टी के हर कार्यकर्ता की समस्या और परेशानी को एक बार सुन ले अब नाथ सरकार अगले माह से इसी पर फोकस करने जा रही है जिसकी चर्चा क्या सरकार क्या संगठन दोनों के गलियारों में जमकर की जा रही है कहा जा रहा है नाथ सही राह पर है बस मंत्री जी इस काम को सही तरीके से एक बार कर डाले सच करें मंत्री जी छा से जाएंगे सूबे की कमलनाथ सरकार अब नगरी निकाय चुनाव की एक बड़ी तैयारी में जुटती दिखाई दे रही है श्राद्ध के पक्ष के खत्म होने के बाद पार्टी नए कलेवर में नजर आएगी और पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते दिखाई देगा बशर्ते सूबे के नाथ की मंशा को उनकी कैबिनेट के, के साथ ही जमीन पर शब्द पूरी तरह से उतार सके अब जैसे यह सुरसुरी आई सरकार अब सबसे पहले अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्या और परेशानी को सुनेगी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कहा जा रहा है अब नाथ सरकार के कैबिनेट मंत्री इस सब काम को अगले माह अमली जामा पहनाते नजर आएंगे जैसे जैसे ये बात है कांग्रेसी गलियारों में पहुंच रही है चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है कहा जा रहा है नाथ सही राह पर है बस मंत्री जी इस काम को सही तरीके से एक बार कराए सच कह रहे हैं छा जाएंगे गलियारों से खबरें आ रही है कहा जा रहा है नाथ अपने वादे के मुताबिक अब ये आठ सही नई व्यवस्था शुरू करने जा रहे हैं वादे के मुताबिक अब मंत्रियों को पीसीसी में बैठना अनिवार्य है इसके लिए रोस्टर प्रणाली के आधार पर हर महीने एक मंत्री पीसीसी में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से अपने विभाग से संबंधित समस्याएं सुनेगा और उनका समाधान भी करेगा पीसीसी मंत्रियों के आने से पहले सूचित करेगी कि किस तारीख को कौन से मंत्री कार्यालय में उपस्थित रहेंगे कहा जा रहा है सूबे में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस संगठन की ओर से कहा गया था कि हर हफ्ते कोई ना कोई मंत्री सूबे के कार्यालय में बैठकर पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजन की शिकायत सुनेगा और उनका निराकरण करेगा अब पीसीसी को ही मंत्रियों के बैठने का दिन निश्चित करना है अब इस सुरसुरी के बाद उन पार्टी पदाधिकारियों का पीसीसी में पहुंचना शुरू हो गया जिन्हें अलग अलग मंत्रियों से काम है अब कार्यकर्ताओं को विश्वास हो चला मंत्रियों के पीसीसी में बैठने से उनकी बात को मंत्री गंभीरता से न केवल सुनेंगे बल्कि उनका काम भी आसान करेंगे जिसकी चर्चा पार्टी कार्यालय के गलियारों में होनी शुरू हो गई और अंत में बात करते ऐलान की जिसके बाद कारोबारी जगत में हो गई बल्ले बल्ले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब दम तोड़ती अर्थव्यवस्था को ऑक्सीजन देने के काम में जुट सी गई है जैसे ही वित्त मंत्री भाई मैडम निर्मला सीतारामन ने एक साथ कई कई ऐलान कर डाले बाजार में मानो आतिशी माहौल बन गया देखते ही देखते रुपया सेंसेक्स निफ्टी ने फिर इतिहास रट डाला है बाजार की बल्ले बल्ले हो गई जिसकी चर्चा कारोबारी जगत के गलियारों में जमकर की जा रही है कहा जा रहा है मैडम के ऐलान के साथ ही हर जगह ताली बज उठी और चर्चा का बाजार भी गर्म उठा है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब जब टीवी स्क्रीन पर होती हैं, देशवासी खासकर कारोबारी जगत का एक एक बाशिंदा उनके एक एक कहे को बड़ी गौर से सुनता है और अपने नफे नुकसान का आकलन करने में जुट जाता है इस बार जब मैडम सीतारमण टीवी स्क्रीन पर आई तो एक के बाद एक कई ऐलान कर सभी वर्गों के लिए ढेरों खुशियां गई कारोबारी जगत से आ रही रही खबरें बता है अब सरकार ने राहत की बयार देश भर के गलियारों में छोड़ दी सरकार के कई ऐलानों का असर यह हुआ कि शेयर बाजार में तेजी आई निफ्टी रुपया भी मजबूत हुआ जिसकी चर्चा हर गलियारे हुई कहा जा रहा है जिस तरह से अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर केंद्र की मोदी सरकार को पिछले कुछ दिनों से बड़े झटके थे लेकिन जैसे ही सरकार ने आर्थिक सुधार किए कदम बढ़ाए उसका असर भी एक झटके में पूरे देश में महसूस हुआ वित्त मंत्री ने कुछ ऐसा ऐलान कर डाला कि न सिर्फ मंत्री के ऐलान के साथ शेयर बाजार 1500 अंक से ज्यादा चढ़ गया निफ्टी में तेजी आई रुपया मजबूत हुआ सरकार के ऐलान के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशियों भरी तालियां कूटते नजर आए और शेयर बाजार में आई ऐतिहासिक तेजी से बाजार के गलियारे गुलजार हुए मैडम निर्मला सीतारमण ने जैसे ही कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती का ऐलान किया कैपिटल गेन से सरचार्ज वापस लिया सेंसेक्स में तेजी आई देखते ही देखते सेंसेक्स 1900 अंक तक चढ़ते हुए दोपहर बारह बजे तक सैंतीस अंकों तक पहुंच गया जिसका असर यह रहा कि कारोबारी जगत में सारी नकारात्मकता खत्म हुई सकारात्मक माहौल पहुंच गया वित्त मंत्री की पीसी के बाद निफ्टी में तेजी देखने को मिली और निफ्टी में दोपहर बारह बजे तक पांच अंक की तेजी आई कहा जा रहा है ये तेजी एक ही दिन पिछले एक दशक में पहली बार इतनी ऊंची हुई जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है कहा जा रहा है निफ्टी की मार्केट कैप ने दो लाख करोड़ तक की रकम को छुआ कहा जा रहा है ऐलान से से रुपए की बढ़ गई लंबे समय से सरकार को लगातार अर्थव्यवस्था के मामले में बेहद बुरी खबरें मिल रही थी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत लगातार घट रही थी लेकिन जैसे ही मां लक्ष्मी जी का वार यानी शुक्रवार आया इस क्षेत्र में हर तरफ राहत ही राहत मिली शुक्रवार बारह बजे डॉलर के मुकाबले रुपया शून्य दशमलव छियासठ पैसे मजबूत होकर सत्तर दशमलव छह आठ तक पहुंचा जो सरकार के लिए बड़ी राहत थी देश के गलियारों में बैठे अर्थशास्त्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करते नहीं थक रहे कह रहे हैं सरकार ने अर्थव्यवस्था के मजबूती के लिए बड़ी मजबूती से अपने कदमों को आगे बढ़ाया सरकार ने इस दौरान कई अन्य बड़े फैसलों का भी ऐलान किया जिनमें निवेश करने वाली कंपनियों के लिए पंद्रह फीसदी टैक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स में कटौती शामिल है जिसकी चर्चा हर गलियारे हो रही है खबरबार न्यूज़ के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं गलियारों से के आज के अंक में इतना ही ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए खबरबार न्यूज़